विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम नमो बुद्धाय। द अनटोल्ड अंबेडकर के 13वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने भारत को भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सर्वोत्तम ऐसा संविधान भारत को निर्माण करके दिया, लेकिन आज भी भारत के सवर्ण जो है, ब्राह्मण जो है, ये भारत के संविधान को नहीं मानते। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ यह संविधान दूसरे ही दिन दिल्ली में जलाया गया। 2018 में हम लोगों ने देखा कि भारत के ब्राह्मणों ने संविधान को जलाया। आखिर क्यों भारत के ब्राह्मण भारत के संविधान को नहीं मानना चाहते? मैं आपको भारत के संविधान का आर्टिकल 13 आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। क्या क्यों भारत का ब्राह्मण भारत के संविधान को नहीं मानना चाहता? आर्टिकल 13 में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर लिखते हैं, इंग्लिश में मैं ये पढ़ूंगा, उसका अर्थ मैं आपको हिंदी में समझाता हूं। लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 13, ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीजिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट शाल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड। बाबा साहब अंबेडकर आर्टिकल 13 भारत के संविधान के आर्टिकल 13 में लिखते हैं कि यह संविधान लागू होने से पहले, भारत का संविधान लागू होने से पहले, भारत में जितने भी कानून है, जितने भी प्रथाएं हैं, जितने भी इस देश के भूमि के ऊपर प्रथाएं लागू है, मैं आज से उसको शून्य घोषित करता हूं। 2500 सालों की मनुस्मृति डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस आर्टिकल के माध्यम से, इस संविधान के माध्यम से हमेशा हमेशा के लिए भारत के भूमि से उसको हटा दिया, मिटा दिया। और यही नहीं, आगे चलकर बाबा साहब और कंटिन्यू करते हैं इस आर्टिकल को। आर्टिकल 13 सबसेक्शन 2, द स्टेट शॉल नॉट मेक एनी लॉज विच टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट एंड एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज शाल टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन बी वॉइड। आगे बाबा साहब और लिखते हैं कि हमारे मूलभूत अधिकारों को छीनने वाले कानून भारत की कोई भी सरकार कितनी भी बहुमत में आए, कितने भी राज्यसभा में, कितने भी लोकसभा में, संसद में, भारी बहुमत से भी अगर वह वहां पर जाकर बैठ जाते हैं तो भी वो हमारे मूलभूत अधिकार को कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं मिटा सकता। एक आर्टिकल में बाबा साहब मनुस्मृति को हमेशा हमेशा के लिए भारत से निकाल देते हैं और दूसरे आर्टिकल में बाबा साहब लिखते हैं कि कितने भी संख्या में तुम लोग आ जाओ फिर भी इस देश में मनुस्मृति को वापस नहीं ला सकते, और इसलिए भारत का ब्राह्मण इस भारत के संविधान का द्वेष करता है, नफरत करता है, क्योंकि बाबा साहब ने हमेशा हमेशा के लिए 2500 सालों से इस देश में अस्तित्व में रही हुई मनुस्मृति को हमेशा के लिए मिटा दिया। मनुस्मृति क्या है? अब हम लोग देखते हैं कि मनुस्मृति और संविधान क्या है, इसका कंपैरिजन करके देखते हैं। वैसे तो इन दोनों की तुलना कभी हो नहीं सकती, लेकिन दोनों के कानून में, भारत के संविधान के कानून में और मनुस्मृति के कानून में, भारत के लोगों के साथ क्या व्यवहार हुआ करता था, इसका उदाहरण हम लेते हैं खुद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के लिखे हुए वेटिंग फॉर वीजा, जिसमें खुद बाबा साहब अंबेडकर जी को क्या भुगतना पड़ा था वो बाबा साहब ने लिखा हुआ है। अब हम अपने मूल विषय के ऊपर आते हैं, द अनटोल्ड अंबेडकर। ये तो बाबा साहब ने ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन इन बातों को आगे लेकर नहीं आते, इसलिए यह भाग मैं अनटोल्ड अंबेडकर में शामिल कर रहा हूं। बाबा साहब अंबेडकर जी जब छोटे थे, 12-13 साल के थे, तब उनके पिताजी किसी और जगह पर उनकी पोस्टिंग हो गई थी, और इसलिए जब बाबा साहब के पिताजी रामजी बाबा ने देखा कि अभी बच्चों की छुट्टियां लग गई है तो क्यों ना बच्चों को मेरे यहां पर बुलाया जाए, तो बाबा साहब के पिताजी ने बाबा साहब को तार भेजी, घर पर एक टेलीग्राम भेजा कि तुम लोगों की अगर स्कूल की छुट्टियां लग गई है तो मुझे मिलने के लिए आप लोग यहां पर 5-10 दिनों के लिए यहीं पर आकर मेरे साथ रहो। ये टेलीग्राम घर पर मिला। रामजी बाबा ने उस टेलीग्राम में लिखा था, उस चिट्ठी में लिखा था कि कौन सी ट्रेन पकड़ के आना है, और जब तुम लोग
वो उस जिस दिन आने के लिए निकलोगे उस दिन मुझे एक टेलीग्राम कर देना कि इस गाड़ी से इस दिन हम लोग आ रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों को लेने के लिए स्टेशन पर आ जाऊं। बाबा साहब को ये टेलीग्राम मिला, बाबा साहब ने और बाबा साहब के बहनों के बच्चे, बाबा साहब उस समय 12-13 साल के थे, बाबा साहब जी के जी जो बहनें थी उनकी शादियां बहुत जल्दी हो गई थी, इसलिए उनके जो बच्चे थे वो भी बाबा साहब से 2-3 साल छोटे थे। तो बाबा साहब और बाबा साहब के बड़े भाई आनंद और बाबा साहब के बहनों के बच्चे, ऐसे 5-6 लोग मिलकर बाबा साहब के पिताजी को मिलने के लिए निकल पड़े। बाबा साहब ने टेलीग्राम कर दिया कि हम इस ट्रेन से उतरने वाले हैं, इस ट्रेन से आने वाले हैं, आप हमको लेने के लिए ये इस दिन पहुंच जाओ। अब ये टेलीग्राम ही बाबा साहब के पिताजी को मिला नहीं, तो बाबा साहब के पिताजी को पता ही नहीं था कि मेरे बच्चे कौन से ट्रेन से आने वाले हैं और कौन से दिन आने वाले हैं। अब बाबा साहब ट्रेन पकड़ के प्लेटफॉर्म पर आकर उतर गए, सारे बच्चों के साथ उतर गए। सभी ट्रेन में से उतरी हुई भीड़ अपने अपने दिशा में चली गई, बच्चे वैसे ही प्लेटफॉर्म पर अपने पिताजी की राह देख रहे हैं। सभी लोग जाने के बाद स्टेशन मास्टर ने देखा ये बच्चे तो अच्छे घर के लग रहे हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। वो स्टेशन मास्टर इन बच्चों के पास आया और बच्चों को पूछा कि कहां जाना है, किनके बच्चे हो। तो बाबा साहब ने बताया, वो टेलीग्राम बताया कि हम मेजर सूबेदार रामजी अम्बेडकर जी के बच्चे हैं और हमको हमारे पिताजी ने बुलाया है, वो हमको लेने के लिए आने वाले थे, शायद हमारा टेलीग्राम उनको मिला नहीं है तो इसलिए वो हमको लेने के लिए नहीं पहुंच पाए, हमको इस पते के ऊपर जाना है, हमें यहां पर छोड़ दीजिए। तो स्टेशन मास्टर ने, वहीं पर बगल में एक बैलगाड़ी खड़ी हुई थी, उस बैलगाड़ी वाले को बुलाया और कहा कि देखो ये अच्छे घर के बच्चे हैं, मेजर सूबेदार मेजर के बच्चे हैं, आप एक काम करो इनको इस पते पर छोड़ कर आओ। तो वो बैलगाड़ी वाले ने सभी बच्चों को बैलगाड़ी में बिठाया, बैलगाड़ी बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी के उस लोकेशन की तरफ चलने लग गई और थोड़ी देर में बैलगाड़ी वाले ने बाबा साहब से और बच्चों से बात करना शुरू कर दिया और बातों बातों में बैलगाड़ी वाले ने बाबा साहब कौन से जाति के हैं, कौन से वर्ण के हैं, ये सारी हकीकत उस बैलगाड़ी वाले ने प्राप्त कर ली। बैलगाड़ी वाले को जैसे ही पता चला कि बाबा साहब एक अछूत है, अछूत के बच्चे हैं, वैसे ही उसने बैलगाड़ी रोकी और बैलगाड़ी रोककर सभी बच्चों को नीचे उतारा। बाबा साहब ने कहा कि हमको हमारे पिता के यहां छोड़ो। बैलगाड़ी वाले ने कहा कि तुमने मुझसे झूठ कहा और मेरे बैलगाड़ी में बैठे हो, मेरी बैलगाड़ी तुम लोगों ने अपवित्र कर दी है, तुम शूद्रों के बच्चे हो, अछूतों के बच्चे हो, मेरे बैलगाड़ी में बैठना ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। बाबा साहब सभी बच्चे बैलगाड़ी से नीचे उतरे, बाबा साहब के पास कुछ पैसे थे, बाबा साहब ने कहा ये ज्यादा पैसे ले लो लेकिन हमको छोड़ दो। अब ज्यादा पैसों के लालच में बैलगाड़ी वाले ने कहा ठीक है, लेकिन तुम लोग अछूतों के बच्चे हो इसलिए मेरे बैलगाड़ी में नहीं बैठ सकते, तुम मेरे बैलगाड़ी के पीछे पीछे चलते चलते आओ और जब तुम थक जाओ तब मुझे बता देना, तुमको मैं बैलगाड़ी में बिठा दूंगा और मैं बैलगाड़ी से नीचे उतर के ये बैलगाड़ी आगे लेकर जाऊंगा, तुम अछूतों के बच्चे हो इसलिए मैं तुम्हारे बगल में नहीं बैठ सकता। तो जिस तरह से तय हुआ, सभी बच्चे बैलगाड़ी के पीछे 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 चल रहे थे। 3-4 किलोमीटर बीतने के बाद बाबा साहब को प्यास लग गई। बाबा साहब ने बैलगाड़ी वाले से कहा कि आपके पास जो पानी है वो मुझे थोड़ा दीजिए, मुझे बहुत प्यास लगी है। बैलगाड़ी वाले ने कहा तुम लोग अछूतों के बच्चे हो, मैं तुम लोगों को अपना पानी नहीं पिला सकता, लेकिन आगे कोई अगर तालाब आता है, कोई नदी आती है तो मैं वो गाड़ी रुकाकर तुम लोग पानी पीकर आ जाओ। बहुत देर हो चुकने के बाद कोई तालाब कोई नदी नहीं आ रही थी। उस बैलगाड़ी वाले ने देखा कि आगे कुछ पानी दिखाई दे रहा है। बैलगाड़ी वाले ने बैलगाड़ी रोकी और बाबा साहब से कहा कि देखो वहां पर कुछ पानी है। बाबा साहब और सभी बच्चे उस पानी की ओर गए, नजदीक जाकर देखा तो वो कीचड़ में थोड़ा बहुत पानी दिखाई दे रहा था। बाबा साहब ने देखा ये तो कीचड़ है, यहां का पानी मैं कैसे पी सकता हूं। लेकिन बहुत प्यास लगने के बावजूद, बहुत प्यास लगी थी इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने वो मट्टी मट्टी हटाई और वहां का पानी बाबा साहब ने पिया। ये पानी पीने के बाद बाबा साहब अंबेडकर जी को अपने पिता के पास पहुंचाया गया और पिता ने देखा कि मेरे बच्चों की क्या हालत हुई है और बाबा साहब तब रो रहे थे। तब बाबा साहब को रामजी ने शांत किया और कहा कि देखो देखो कि बाहर की दुनिया में तुम्हारी क्या हैसियत है,
बाहर की दुनिया में क्या हैसियत है, और इसी चित्र को तुमको बदलना है, इसी व्यवस्था को तुमको बदलना है। और उसी बच्चे ने जाकर भारत का यह संविधान लिखा। मनुस्मृति के कानून में बाबा साहब को कीचड़ का पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया गया था। 2500 सालों की मनुस्मृति को बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक ही आर्टिकल में इस देश से हटा दिया और ऐसी व्यवस्था लेकर आए। 2500 सालों की मनुस्मृति और 70 सालों का यह संविधान, इन 70 सालों में इतना बदलाव आ गया कि जिन बाबा साहब अंबेडकर जी को कीचड़ का पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया गया था, इस संविधान के वजह से आज हम लोग फिल्टर और मिनरल का वाटर पीते हैं, बिस्लरी का पानी पीते हैं, 50 रुपए लीटर का पानी लाकर हम लोग अपने घरों में पीते हैं। ये बाबा साहब अंबेडकर जी के इस संविधान के वजह से, 70 साल के इस संविधान के वजह से आज हमारी जो परिस्थिति है वो इतनी बदल गई। 2500 सालों का मनुस्मृति हमको पानी पीने के लिए रोकता था, बाबा साहब का ये संविधान हमको बिस्लरी का पानी पीने की इजाजत देता है। यह है बाबा साहब का संविधान, और इसलिए बाबा साहब के इस संविधान से आज भी ब्राह्मण नफरत करता है। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध, जय संविधान। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।